जी हाँ, महाकाल अब इस ड्रेस कोड में ही मिलेगी एंट्री। जी हाँ, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में अब आम श्रद्धालुओं को ड्रेस कोड में ही एंट्री मिलेगी। पुरुषों को धोती सोला पहनकर गर्भगृह में जाना होगा, जबकि महिलाओं के लिए साड़ी पहनना अनिवार्य होगा। जींस शर्ट पैंट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में वीआईपी और आम श्रद्धालुओं के प्रवेश को फिर से शुरू करने की मंशा को लेकर श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की एक बैठक महाकाल लोक के कंट्रोल रूम में कलेक्टर एवं श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कुमार पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि जिस प्रकार वीआईपी श्रद्धालु गर्भगृह में प्रवेश के दौरान भारतीय परिधान पहनते हैं, अब उसी तरह आम श्रद्धालुओं को भी गर्भगृह में प्रवेश के लिए भारतीय परिधान पहनना होंगे, जिसके बाद ही उन्हें गर्भगृह में प्रवेश मिल पाएगा। देखिए, महाकाल मंदिर में गर्भगृह के प्रवेश को लेकर जो इश्यू था, ढाई महीने से बंद था, आज सैद्धांतिक तौर पर निर्णय लिया गया कि इसको शुरू करने का किया जाए। लेकिन चूंकि आज श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में है, तो गर्भगृह में प्रवेश के कारण श्रद्धालुओं का दर्शन कई बार बाधित होता है, तो एक व्यवस्था बनाने के लिए समय दिया गया है कि प्रशासक 4-5 दिनों में व्यवस्था तय करें कि कैसे दर्शन होंगे। इसके लिए ड्रेस कोड भी लागू है। गर्भगृह में प्रवेश के लिए वीआईपी के लिए तो पहले से ड्रेस कोड था, सारे अतिथि विशिष्ट व्यक्ति आते थे उनके लिए ड्रेस कोड निर्धारित था, आम आदमी के लिए ड्रेस कोड नहीं था। तो ये निर्णय लिया गया कि जो गर्भगृह में प्रवेश संख्या सीमित ही होती है, तो हर तरह के श्रद्धालु, चाहे वो वीआईपी हो, कॉमन मैन हो, जो भी, उनके लिए एक ड्रेस कोड रहेगा जो धोती कुर्ता और महिलाओं की साड़ी। हमारे जनप्रति माननीय महापौर जी, माननीय सांसद जी और बाकी सारे माननीय विधायक सबकी मांग थी कि उज्जैन के लोगों के लिए, क्योंकि प्रवेश शीघ्र दर्शन निःशुल्क है, तो भस्म आरती में एक दिन निःशुल्क किया है, तो निर्णय लिया गया कि मंगलवार के दिन निःशुल्क रहेगा। आज हमारी महाकाल प्रबंध समिति की बैठक में हमने एक निर्णय लिया है कि जो हमारे उज्जैन वासियों के लिए हमने एक अलग से द्वार बनाया है, अवंतिका द्वार से जाकर के दर्शन करते हैं, इसी प्रकार से सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को हमारे उज्जैन वासी अपने आधार कार्ड के आधार पर पंजीयन करके निःशुल्क भस्म आरती कर सकते हैं। इसके लिए सीमित कोटा क्या गया हुआ है? कुल हमारे जो भस्म आरती का कोटा कुल 1500 है, उसमें से 400 हमारे उज्जैन वासियों के लिए रहेगा सप्ताह में एक दिन। पुलिस ने चैन स्नैचिंग करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने शहर में 3 वारदात करना कबूला है। वहीं पुलिस ने चैन खरीदने वाले व्यापारी को भी हिरासत में लिया है। शहर में पिछले कुछ दिनों से लगातार महिलाओं के गले से चैन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी। इधर पुलिस भी बदमाशों के पीछे लगी हुई थी, जिसके चलते पुलिस को सफलता हाथ लगी और पुलिस ने चैन स्नैचिंग करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आज दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी सचिन शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए बदमाश स्थानीय हैं, जिन्होंने पूछताछ के दौरान शहर में 3 चैन स्नैचिंग की वारदात को कबूला है, जिनकी निशानदेही से 3 चैन और देवास से चुराई गई एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। वहीं पुलिस ने चैन खरीदने वाले व्यापारी को भी आरोपी बना लिया है और उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस वार्ता में एडिशनल एसपी जयंत राठौर और गुरु शरण पारा सर मौजूद थे। विगत दिनों उज्जैन में लगातार 2-3 चैन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी, उसको देखते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा साहब ने थानों की टीम, साइबर की टीम, क्राइम की टीम, उनको निर्देशित किया था, जिसमें हमारी टीमों ने काफी मेहनत करके 2 चैन स्नैचर पकड़े हैं और एक को जो चैन स्नैचिंग का माल लेता था उसको पकड़ा है। तो विगत दिनों जो थाना माधवनगर, नानाखेड़ा और कोतवाली में जो चैन स्नैचिंग हुई थी, वो तीनों चैन हमारे द्वारा बरामद की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे और अपराधों के बारे में पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की है और लगातार इसमें उज्जैन पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो अपराधी पकड़े गए हैं उनमें एक का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, उसको भी तस्दीक की जा रही है और इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। नकली उप निरीक्षक बनकर के साथ मिलकर तत्कालीन सीएसपी पल्लवी शुक्ला के नाम पर 5 लाख रुपए की मांग करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया है। इस मामले में झूठा नाम आने के चक्कर में सीएसपी पल्लवी शुक्ला का ट्रांसफर भी उज्जैन शहर से भोपाल PHQ में किया गया था। दरअसल वर्ष 2022 में थाना कोतवाली में थाना प्रभारी अमित सोलंकी द्वारा एक प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें राहुल नामक फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उससे सुनील बैरागी और उसके मित्र अरुण ने स्वयं को थाना कोतवाली में उप निरीक्षक बताते हुए तत्कालीन सीएसपी
पल्लवी शुक्ला के नाम पर 5 लाख रुपए की मांग की थी तथा रुपए न देने की स्थिति में फरियादी को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई थी, जिस पर थाना कोतवाली द्वारा मामला पंजीबद्ध कर जांच अधिकारी महेंद्र मेकाश्रे उप निरीक्षक द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आरोपियों की ओर से प्रकरण में उनके अभिभाषक चंदन गेरा ने उनका पक्ष समर्थन करते हुए उन्हें न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी उज्जैन अर्पित जैन साहब के न्यायालय से दोष मुक्त कराया। इस मामले को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता चंदन गेरा ने बताया है कि इस मामले में उनके क्लाइंट सुनील को न्यायालय ने बरी किया है। पुलिस ने आपसी मनमुटाव के तहत मात्र एक कागज के टुकड़े को जब्त कर केस बनाया था जो न्यायालय में साबित नहीं किया जा सका। जी, ये मामला कोतवाली थाने में रजिस्टर्ड हुआ था पिछली मार्च महीने में। इसमें मेरे क्लाइंट पर एलिगेशन लगाया गया था कि उसके द्वारा फरियादी को यह बताया गया कि वह थाना कोतवाली में 2 स्टार के पद पे पदस्थ है और पदस्थ होकर वो CSP के नाम से कुछ उसने पैसों की डिमांड की। इस तरह का एलिगेशन लगाते हुए फरियादी ने कंप्लेंट की थी, जिसपे से 2 लोगों के अगेंस्ट अरुण और सुनील बैरागी के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था और उन पर यह एलिगेशन लगाया गया था कि उनके द्वारा CSP से साठगांठ करके फरियादी से पैसा मांगा गया, फरियादी को डराया धमकाया गया। इसमें CSP पर भी एलिगेशन लगे थे, उस समय पदस्थ थी पल्लवी शुक्ला मैडम, पदस्थ थी, उन पर भी एलिगेशन लगे थे। जब ये न्यायालय में मामला आया और हमने न्यायालय में इस मामले को फेस किया, तब ये पाया गया कि ये पूरा मामला असत्य बनाया गया था, क्योंकि जो कंप्लेनेंट था उस कंप्लेनेंट ने एक और अन्य मामला माधवनगर में रजिस्टर्ड कराया था और उस मामले से कहीं बचने के लिए मामला रजिस्टर्ड हुआ था। इस तरह का बाद में सब बातें सामने आई और हमने डिफेंस रखा, कोर्ट ने उसको स्वीकार किया और कल हमारे जो क्लाइंट है उनको न्यायालय ने दोष मुक्त किया। वहीं इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए सुनील बैरागी ने बताया कि पुलिस ने झूठा केस बनाया और हमको फंसा दिया था। इसके चलते मेरे साथ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने मारपीट भी की और करीब 1 माह जेल भी रहना पड़ा। अब केस में मैं बरी हो गया हूं और इन अधिकारियों पर मानहानि का केस करूंगा। हमारे चंदन गेरा हमारे वकील साहब हैं, उन्होंने मुझे बरी कराया है, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये पूरे झूठा कार्रवाई करी थी मेरे ऊपर। अमित सोलंकी जी मुझे गए बोले कि तुम्हारे खिलाफ से मुकदमा दर्ज हो गया। महेंद्र मका से अमित सोलंकी मेरे को घर पे लेने आए, मेरे को ले जाकर फिर बंद कर दिया, फिर मुझे जेल भेज दिया। उसके बाद मेरा परिवार बहुत परेशान हुआ, बेल्ट से भी मुझे बहुत मारा। पूरा मेरा परिवार आए दिन परेशान होता रहा, यहाँ चक्कर काटते रहे थाने। 3-4 दिन मेरे को थाने पे भी रखा, उसके बाद मुझे केस कराओ कोर्ट में। कितने दिन आप जेल रहे थे इसमें? 1 महीना करीब जेल रहा। कितना परेशान होना पड़ा झूठे केस के लिए आपको? बहुत परेशान होना पड़ा। किसको दोषी मानते हैं इस पूरे केस के लिए? कोई पुलिस वाले को ही मानता हूँ सर, अमित सोलंकी, महेंद्र मका से और जो भी यहाँ मेरे को साइबर सेल वालों में वहाँ भी ले गए, 2 लोग वहाँ भी थे, उन्होंने मुझे बहुत मारा। वो आगे क्या कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ आप? सर मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर। 4 जुलाई से लेकर 11 सितंबर तक 2,39,58,740 से अधिक भक्तों ने श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। बाबा श्री महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में श्रावण माह में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड आगमन हो रहा है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और SP सचिन शर्मा ने बताया कि श्रावण भाद्रपद माह में श्रद्धालुओं की गणना करने के लिए स्मार्ट सिटी द्वारा लगाई गई हेड काउंट डिवाइस के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि विगत 1 माह में उज्जैन शहर में श्री महाकाल महालोक बनने के बाद श्रावण माह में 1 जुलाई से लेकर अब तक करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ साथ कई विशेष हस्तियां भी महाकाल भगवान के दर्शन के लिए पहुंची थी। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा सामान्य दर्शनार्थियों के लिए सुगम, सुलभ व शीघ्र दर्शन व्यवस्था की गई थी। लगभग 30 से 35 मिनट के बीच दर्शन हो रहे हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में सरल, सुगम, सुलभ दर्शन हेतु प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्थाओं से सभी श्रद्धालुओं आसानी से दर्शन कर रहे हैं। उज्जैन निवासियों हेतु द्वार क्रमांक 1 अवंतिका द्वार पर आधार कार्ड दिखाकर मंदिर में प्रवेश की निशुल्क व्यवस्था की गई है, जिससे कम समय में श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन हो रहे हैं। देखिए, ये तो पूरे भारत वर्ष में इतने श्रद्धालु कहीं नहीं आ रहे हैं, ये उज्जैन के लोगों के लिए गौरव का विषय है और मैं सबसे बड़ी क्रेडिट मानता हूँ कि इन 2.5 महीनों में करोड़ों की भीड़ के बाद भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। आमतौर पर इन 2.5 महीनों में दर्शन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। कई बार होता क्या था, कई FIR करानी पड़ती थी और कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, छोटी मोटी असुविधा को लेकर और भीड़ के कारण होती है, और आम श्रद्धालु बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन कर पाया, ये हम सब की उपलब्धि है। उज्जैन ज़िले में अधिक मास जो कि लगभग 2.5 माह चला था सावन का, इसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए थे
तो इनकी जो मंदिर की आंतरिक दर्शन व्यवस्था थी, बाहरी जो खासकर महाकाल लोग घूमने आते थे, रामघाट वगैरह, सभी महत्वपूर्ण स्थलों को चिन्हांकित किया गया था और विस्तृत इसमें जो सुरक्षा व्यवस्था थी लगाई गई थी, और हमारा यही प्रयास था सभी का सहजता सुगमता सरलता से दर्शन कराया जा सके। क्षीरसागर कुंड में एक शख्स का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दरअसल क्षीरसागर कुंड धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अति पवित्र माना गया है। जब यहाँ शुक्रवार को पूजन अर्चन के लिए श्रद्धालु पहुंचे तो उन्हें शव तैरता हुआ दिखाई दिया। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया, वहीं शव की शिनाख्ती भी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि बहादुरगंज निवासी 58 वर्षीय गोपाल साहू एक दिन पहले शाम को घर से निकले थे, फिर रात्रि में घर नहीं लौटे। परिजनों ने मृतक की शिनाख्त कर ली है, वहीं पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। मामले में थाना सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर के दौरान जहां एक और विभिन्न चौराहों पर चेकिंग की जा रही है, तो वहीं अलग अलग थाना पुलिस द्वारा जिला बदर आरोपियों के घर पर दबिश भी दी जा रही है। इसी कड़ी में थाना माधवनगर पुलिस ने देर रात को थाने के अलग अलग क्षेत्रों में दबिश दी। ये कार्रवाई थाना प्रभारी योगेंद्र यादव के नेतृत्व में हुई। पुलिस ने कंचनपुर, गणेशपुरा, किशनपुरा, अशोकनगर और वाल्मीकि नगर क्षेत्र के जिला बदर आरोपियों के घर पर जाकर चेकिंग की। यहां परिजनों के बयान भी लिए गए। हालांकि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई जिला बदर आरोपी नहीं मिला है। यही तो है, इसमें तो घूमता रहता है। कहाँ गया? तो सर ढूंढ लो, खंडर में लोकेशन मिली थी मेरे को। शहर के पंडाल में इस बार अधिकांश जगह मिट्टी से बनी गणेश की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं विराजित होंगी। वहीं बंगाली कॉलोनी में बंगाल से आए कलाकारों ने इस बार जल पर्यावरण की रक्षा के लिए शुरू से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाओं की जगह गंगा की मिट्टी से गणेश प्रतिमाएं तैयार की हैं। ये प्रतिमाएं 5 से 10 फीट तक ऊंची है और शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण अंचलों देवास, शाजापुर तक के पंडालों में स्थापित की जाएगी। इसके लिए कई मंडलों ने 2-3 माह पूर्व से ही प्रतिमाओं की साइज, डिजाइन आदि के ऑर्डर दे दिए थे। इन प्रतिमाओं की कीमत 5 से 20 हजार रुपए तक है। अब तक इतनी बड़ी प्रतिमाएं पीओपी की ही बनती थी, लेकिन जल एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए चलाई जा रही मुहिम से जुड़कर कुछ बंगाली कलाकारों ने शहर के पंडालों के लिए ये मिट्टी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं तैयार की है। इस बार शहर में 100 से लेकर 150 जगह गणेश विराजित होंगे। इसके अलावा फ्रीगंज बाजार में भी दुकानों पर गणेश जी की, घरों, मंदिरों के लिए मिट्टी की छोटी गणेश की प्रतिमाएं भी बिकने आई है। उज्जैन में बंगाली कलाकारों द्वारा तैयार की गई 20 फीट की मिट्टी की यह सबसे बड़ी प्रतिमा बनकर तैयार है। शहर में कई जगह मिट्टी की प्रतिमाएं बनने का दौर जारी है। देखिए सर, मैं खुद ही बंगाली कॉलोनी से ही बिलोंग करता हूँ और जो कारीगर भी है, हम बंगाल से इसीलिए रहते हैं कि वहाँ की कला बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ मिट्टी के कारीगर सबसे बेस्ट इंडिया में वहीं पे मिलते हैं और इनके हाथ की जो कला है वो अपने यहाँ के लोकल कारीगर जो रहते हैं वो कभी भी नहीं दे पाते। वो जो पीओपी में ही काम कर पाते हैं। यहाँ पे जो हाथ पैर हर एक चीज उंगलियाँ हर एक चीज हाथ से बना के लगाते हैं, उसके लिए कारीगरी की जरूरत पड़ती है। तो अपने यहाँ के कारीगरों से अपन ने ट्राई भी कराओ तो वो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए कारीगर बंगाल क्षेत्र के ही लगते हैं। इसीलिए यहाँ की मूर्तियाँ फेमस है क्योंकि बाहर से कारीगर आते हैं, काम फिनिशिंग का करके देते हैं अच्छे से, तो अच्छा वो दिखने में सुंदर लगते हैं। कितनी फीट की मूर्ति है ये? 3 फीट से लेके हमारे पास 15 फीट तक की मूर्तियाँ। कितने रेंज से लेके कितने रेंज तक की है ये? रेंज स्टार्ट होती है हमारी लगभग 5-6 हजार रुपए से रेंज स्टार्ट होती है, तो वो काम पे डिपेंड करता है, वो 50-55-60 हजार तक जाती है। कितने कारीगर बंगाल से आए हैं? मेरे 8 कारीगर बंगाल से आए हैं। सेवा सहकारी संस्था लेखों ने 550 से अधिक किसानों से 2 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में किसानों ने गुरुवार को भरतपुर स्थित सेवा सहकारी संस्था के कार्यालय पर हंगामा कर दिया। किसानों ने सहकारी संस्था के MD से मांग की है कि लेखोड़ा के प्रबंधक की संपत्ति कुर्क कर किसानों को राशि वापस दिलवाई जाए। करीब 1 घंटे तक किसानों ने विरोध जताया। इसके बाद किसान कलेक्टोरेट पहुंचे और SDM से सख्त कार्रवाई की मांग की। सैकड़ों किसान भारतीय किसान संघ के बैनर तले भरतपुर स्थित सेवा सहकारी संस्था के कार्यालय पर जमा हुए और लेकोड़ा के प्रबंधक निशिकांत चौहान पर किसानों से धोखाधड़ी का आरोप लगाया, साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग की। MD द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर काफी देर हंगामा हुआ। मौके पर पुलिस अफसर भी पहुंचे और सख्त कार्रवाई की समझाइश दी। किसान संघ के जिला अध्यक्ष दशरथ पंड्या, ईश्वर सिंह राजपूत, मुकेश जाट, मानसिंह चौधरी और राजेश सोलंकी सहित सैकड़ों किसान पहुंचे थे। जिला अध्यक्ष पंड्या ने बताया कि सहकारी संस्था के सेक्रेटरी ने KCC के रूपए किसानों से लिए। इन पैसों को किसानों के खातों में जमा नहीं किया, बिना बताए खाते से रूपए भी ले लिए। जब किसान लोन लेने बैंक पहुंचे
तो ओवरड्यू बता दिया गया। पंड्या ने यह भी बताया कि हमें ऐसी सूचना मिली है कि प्रबंधक के खाते प्रशासन ने सीज किए हैं, लेकिन हमारी मांग है कि सभी किसानों को उनके पैसे वापस मिले। एक लाख यानी 60,000 का हमारा लोन था, तो हमने भर दिए वो पैसे, इसके बाद में इन्होंने निकाल लिए। वो कैसे निकाले क्या निकाले ये हमको मालूम। आपको आपको खाते में पैसा डरा, हाँ, तो आपको बगैर साइन के कैसे पैसे निकाल। अब यही तो प्रॉब्लम है सर, यही तो प्रॉब्लम है, कैसे निकल गए वो पैसे। अभी कितना पैसा निकाला, किसने निकाला, कितना पैसा भी आपके पक्का बताया? अभी हमको बता रहे 1,61,000 जानकारी के। हम पूरे गांव के आए सर यहाँ पे जब मालूम पड़ा, और सेक्रेटरी साहब को बोल रहे थे कि सर पैसा तो हमारा नहीं होगा, आज दे कल दे परसों दे। कौन है जिसने पैसा लिया? शशिकांत क्या है ये सेक्रेटरी? मेरे दादाजी का घाटा था यहाँ पर, वो 2 साल पहले एक्सपायर हो गए, और इसके बाद भी यहाँ सबसे कोई लेन देन नहीं हुआ है। और उसके पहले मेरा घाटा था 24,000 रुपए का, और अभी मैंने जब एंट्री करवाई तो उसके अंदर 98,000 रुपए का कर्ज था, और इस 2 साल के बीच में मेरा कुछ हुआ ही नहीं था। तो कर्ज लिया किसने? मेरे दादाजी के। कौन से सर ने कर्ज बताया? अभी ये 2023 में ये किसान संस्था के माध्यम से ऋण लेते हैं, खाद बीज लेते हैं, और जब फसल आती है तो उसको जमा करा देते हैं। यहाँ प्रकरण ये हुआ है कि जो पैसा किसानों ने जमा कराया वो अधिकारियों ने अपनी जेब में रख लिया और बैंक में जमा नहीं कराया सीधा सीधा, और जिन काश्तकारों ने लोन नहीं लिया उनके नाम पे भी दस्तखत करा के उनको नामे लोन मार दिया। 700 किसान प्रभावित हैं लेकोड़ा संस्था के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज चौहान की सरकार, 50% घोटालों की सरकार, यहाँ 100% घोटाले नजर आ रहे हैं। आज हम जब अंदर गए जांच पता लगाया तो केवल 50 काश्तकारों की जांच कलेक्टर साहब कर रहे हैं, 650 लोगों की जांच नहीं हुई। जब कल यहां से टीम गई तो 2019 के बाद कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। आज 2019 के बाद कितने साल हो गए, ऑडिट होता होगा, ऑडिट रिपोर्ट बैंक के पास आती होगी, संस्था से लेके तो यहां तक बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर तक इसमें इन्वॉल्व है। आगे और ये प्रकरण उज्जैन जिले में 8वां है। 8 सोसाइटियों के 7 सोसाइटी की अभी जांच चल रही है। वो किसान परेशान है, जिनके पैसे गए वो गए, वसूली के नाम पे वो FIR हो गए, वो जमानत करा लेंगे और अपने अपने काम करते रहेंगे। आखिर कब तक और कैसे होगा ये?